नहा तो ओके और आपको अच्छी परफ्यूम की खुशबू भी आ रही होगी नाजरीन बहुत और ये मुझे टंगना सा बना के अस्सलाम वालेकुम। मैं जाने लगी ग्रोसरी करने, तो कब की मैं बाहर खड़ी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ अपनी मियाँ जी का। ये ऐसी मिसाल बनी है कि औरतें लेट करवाती हैं मेरे घर में ना, हम मैं और बच्चे हमेशा हम इधर बैठे होते हैं जब कहीं जाना होता है। तो आज मार्केट जाने लगी हूँ तो मैं कर रही हूँ वेट। आ जाओ जनाब, हेलो आ जाओ। हीरो पति की ट्यूटर फड़ी ले आयो, दरवाजा भी बंद। शाबाश, अच्छे बच्चे की तरह चले। हीरो पति, हीरो बनने के आधा घंटा लगाया। चलो चलो चलो, मैं ना बहुत अच्छा पैंट कोट पहन के और नहा तो ओके और आपको अच्छी परफ्यूम की खुशबू भी आ रही होगी नाजरीन बहुत और ये मुझे टंगना सा बना के फिर हम जा रहे हैं मार्केट और मार्केट में जाके हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे कि मुल्क की मौशियत का क्या हाल चल रहा है यहाँ। चलो जी, आप दोबारा वापस घर मैंने भेजा है क्योंकि दूध भी लेके आना था, ख़त्म हो गया था, तो उस साइड पे ही हमने ग्रोसरी करने जाना था। तो लेट तो होते हैं कुछ, ये अब आ रहे हैं जी, देखे दौड़े देखे, ओह हो लेट हो गए लेट हो गए। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ ओ हेलो, पागल। चलो अब बाकी चलते हैं। आ गए हो? हाँ जी आ गए हैं। हम दोबारा लेट हो गए इंशाल्लाह। चेंज नहीं होना? नहीं जनाब, मैं एक मुस्तकिल मिजाज। अच्छा अच्छा, मतलब मैं नहीं कुछ, मेरे को जो इस टाइम हो है वे वो हुन पक्का वे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लेकिन चेंज करे ना, लेट होना बड़ा। मैं लेट की तो ना जनाब, हुंदे हो जनाब बहुत। अच्छा हां जी हां जी। अच्छा सुहाना मजेदार, वो ठंडे जनाब सुहाना। आए गाना ला दो, गाना या सुना दो, केड़ा सुना दो, कोई सुना दो। ओए जनाब आजकल मेनू पता नहीं कौन अच्छा गाना लगता है, तो सुना दो सुना दो। वो वैसे लम्मा फिर कोई ऐसा नहीं, कोई हकीकत नहीं, लेकिन वैसे गाना कोई अच्छा लगे तो पता की कह सकते। चलो वे मैं थो तेरा मन भरया, तेरिया तो लगदा है यारा, गल गल ते शक करना है एतबार जरा भी नहीं, हुन तेरिया नजरां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मैनू तू जुती थले रखना है, ऐवें लोका अगे बनना बेचारा, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। बहुत अच्छा सच्ची। नहीं नहीं मैं पहली हाँ ताड़ी की कई दानू बातें वगैरह करते करते हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। तो लिडल हम आ गए हैं, तो बारिश भी पूरे रास्ते में बारिश होती रही है, तो हम पहुंच गए मार्केट। तो मार्केट में लेते हैं अपना जो भी लेने आए हैं। अच्छा लेने जाना है? जी तो पानी लगता है। हाँ जी हाँ। जी तो पानी लगता है, पानी हर जगह लगता है। नहीं जरा सही भी होता है। ये कार्ड तो सही। ओ जनाब मैं गल्ला सही करना वा।
अभी जो ये बात कर रहे थे ना पानी वाली मार्केट, तो क्योंकि लिडल और आल्डी दोनों जो मार्केट है ना, इनके नाम तकरीबन एक जैसे इनको लगते हैं, तो इनको ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं लिडल जा रहा हूँ कि मैं आल्डी जा रहा हूँ। तो पानी वाली मार्केट इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि हम इसका पानी यूज़ करते हैं, तो इसलिए लिडल कम और पानी वाली मार्केट ज़्यादा इनको याद रहती है। तो अब हम वापस अंदर आ गए हैं, तो मैं रखने लगी हूँ अपना जो भी मैंने लेना है, तो अपने मोबाइल के साथ मैं देख रही हूँ, क्योंकि बेटी को मैंने बोला था जो भी लेना है मुझे व्हाट्सअप कर दो। तो ये जो है ये रगाल देख रही हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट्स वगैरह जो भी हैं वो सारी आपको पता है बंद है, तो ऐसी जो मार्केट्स खाने पीने वाली होती हैं इसके अंदर ना, आप एक वीक के बाद जैसे आता है कुछ ना कुछ नया, तो इसका देख के ही हम अपना चस्का पूरा कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो सर्फ भी देखी, और इतनी इन्होंने सस्ती लगाई थी वो उठाई, मेरे पास पड़ी थी सर्फ अभी ख़त्म नहीं थी, फिर भी मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो आज क्योंकि हफ्ते वाला दिन है, तो हफ्ते वाले दिन तकरीबन जो सब्जियाँ होती हैं या गोश्त चिकन वगैरह होता है या फल होते हैं, ऐसी चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, वो भी इन्होंने तकरीबन सेल रेड पर्चियाँ आप देख रही हैं, लेकिन 20-10 सेंट कम होते, इतने ज़्यादा नहीं होते। हाँ, सब्जियाँ जो फल होते हैं उसके ऊपर हाफ प्राइस थी, जैसे 50% ऑफ था ना, तो वो अच्छी रही हैं। टमाटर वगैरह हो गए, कुछ भी ऐसे आपने सलाद लिया सब फल ले लिए हैं, तो उसके ऊपर थे 50%, वो मुझे फ़ायदा रहा है। अब तो इन मार्केट्स में भी ना थोड़ी सी चीज़ें जैसे महंगी हो गई हैं, वो लहदा बात है, हम लोग नोट नहीं करते। तो बच्चे जो भी खाते हैं रेगुलर जो खाते हैं वो हम लेते होते थे, तो अब उसकी प्राइस ज़रा ज़्यादा है। जो जैसे आलू प्याज जो नॉर्मल घर की चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी प्राइस इतनी नहीं है, वो नॉर्मल ही है। बाकी मुझे लगता है कि जो पता है ना कि बच्चे खाते हैं और ज़रूर माँ बाप लेके जाएंगे, उनके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी कीमतें बढ़ाई हुई हैं, कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब गौर करते हैं कि नहीं उन्होंने भी थोड़ा सा महंगा किया है। तो चलें कोई नहीं, गुजारा तो करना है। तो मैं अब ये शक्करकंदी ले रही हूँ, इसको शक्कर ये है सूस का ठोफल इसका नाम है, मुझे किसी ने पूछा था कि कहाँ से मिलती है, तो ये हर मार्केट्स में मिल जाती है। पाकिस्तानी मार्केट से मैं लेके आई थी पिछली दफ़ा, तो ये लिडल में भी मिल जाती है और जो तुर्की मार्केट है वहाँ से भी मिल जाती है, तो वो मैंने ली और साथ जो भी मुझे चाहिए था ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह सामान, तो आपको पता है एक एक चीज़ भी लें तो कितनी ज़्यादा हो जाती हैं। और इसमें आधी जो है ना वो मेरी जो बेटी है ना बड़ी, उसकी लिस्ट है, बाकी जो है चीज़ें वो मैंने अपनी मर्ज़ी से ली हैं, और इससे जो छोटी खाने पीने वाली चीज़ है वो तकरीबन उसकी है, उसने इतनी लंबी लिस्ट मुझे भेज दी थी कि ये लेके आना है वो लेके आना है। तो चलें कोई नहीं, अब आराम से एक हफ़्ता गुजर जाएगा। तो चीज़ें हमने ले ली, और अब मैं जहाँ मैं गई थी वहाँ साथ ही जो फ्रेश मिल्क मैंने लिया था पिछली दफ़ा, तो वो भी साथ ही थी, तो मैंने कहा चलो ख़त्म हो गया तो ये भी ले लें। तो इसकी वीडियो जो है ना फ्रेश मिल्क की जो वीडियो थी वो पूरी मैंने डाली है, तो मैं उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर किसी ने देखना है एड्रेस वगैरह लेना है या कहाँ से मिलता है कैसे मिलता है तो वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये दो अब पैसे निकाल रहे हैं कि कहाँ चले गए, क्योंकि जो बैग है वो गाड़ी में छोड़ आए हैं और अपने वो निकाल रहे थे पैसे। मैंने कहा चलो आज जो है ना वो शाइन ही दे दें, पिछली तरह बहुत ज़्यादा उन्होंने टूटे टूटे अंदर डाले थे, जो भी सेंट वगैरह थे वो सारे इन्होंने यूज़ किए, तो इस दफ़ा इनका फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो भी शाइन थी वही चली। तो अब मैं आगे देख रही थी ये दूध लेने लग गए, मैंने कहा चलो मैं जो फ्रिज है वहाँ देखती हूँ क्या मिलता है अगर एमरजेंसी में कुछ लेना हो। ये ना दूध वाली जो मार्केट है ना, ये वाला जो फार्म है पूरा 24 घंटे खुला है, जब मर्जी आप ले सकते हैं। तो मैं फ्रिज में देखने लगी कि चलो एमरजेंसी में अगर कोई आता है तो क्या क्या इधर से मिलता है, तो खास इतना नहीं है, नूडल वगैरह थे, केजे थे, फल वगैरह थे, टोस्ट थे, हाँ ठीक है रेगुलर चीज़ें थी, अगर किसी को चाहिए तो आराम से जहाँ पैसे डाले और निकाले मशीन के अंदर, ये देखें यहाँ पैसे डालते हैं और आराम से वो चीज़ बाहर आ जाती है, तो सहूलत तो काफ़ी अच्छी है। आज का दिन जो था ना वो हम दोनों का बड़ा ही अच्छा गुजरा, जो भी काम करना था वो भी हमारा माशाल्लाह काम हो गया ख़त्म, और हंसते हंसाते हमारा दिन भी हो गया ख़त्म। तो इसके साथ में हम दोनों जाते हैं घर अपना सामान वगैरह लेके, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, और जिनका कोई नहीं रखता उनका भी रखें। अल्लाह हाफिज़।